Hello students, in this video we are going to study about a second circulatory system, that is lymphatic system. What is lymphatic system? Lymphatic system भी जो है blood vascular system की तरह ही एक circulatory system होता है जो human body में present होता है. और lymphatic system में जो है blood की तरह ही lymph होता है जो lymphatic vessels में flow करता है. तो हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज लिम्फ. सेकंड वन इज लिम्फ वेसल कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स. दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. तो अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो दैट इज लिम्फ. तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी जो होता है वो लिक्विड होता है, मोबाइल होता है फ्लूड जो ब्लड की तरह फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स में. तो लिम्फ इज लाइट येलो कलर्ड मोबाइल फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू विच ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस. लिम्फ जो है लाइट येलो कलर्ड फ्लूड होता है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है. अगर हम बात करें जब आर्टरीज से ब्लड जाता है कैपिलरीज में और कैपिलरीज से ब्लड टिश्यू के पास आता है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है टिश्यू के पास. जब मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है टिश्यू के पास सेल्स के द्वारा, तब जो है इन कैपिलरीज से कुछ अमाउंट में कुछ फिल्टर भी यहाँ कुछ अमाउंट में प्लाज्मा और WBC भी फिल्टर हो जाते हैं. क्या फिल्टर हो जाएंगे? जब ब्लड से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है तो कुछ फिल्ट्रेट टिश्यू के पास फिल्टर हो जाता है. इस फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्लस WBC. प्लाज्मा जो यहाँ फिल्टर होता है टिश्यू के पास उस वो रिजेंबल करता है ब्लड के प्लाज्मा की तरह. ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसी को रिजेंबल करता है. लेकिन जो यहाँ फिल्टर होता है उस प्लाज्मा में क्या होता है, जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं. सो लिम्फ कंटेन्स मेनली प्लाज्मा एंड WBC एंड इट इज़ प्रेजेंट नियर द टिश्यू. इसलिए जो ये टिश्यू के पास प्रेजेंट होता है सेल्स में एक्सटर्नल स्पेस में, तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. क्या? लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड. लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं. और लिम्फ जो है क्या क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा प्लस WBC. जो ब्लड का प्लाज्मा से लिम्फ के प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है? जो लिम्फ का प्लाज्मा होता है वो लार्जर प्रोटीन्स कंटेन नहीं करता. प्लाज्मा ऑफ द लिम्फ कंटेन्स प्रोटीन्स WBC, डाइजेस्टेड फैट एंड सम फॉरेन पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें, मतलब WBC को हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं. तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं जो फाइट करती हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन. WBC जो होती है, लिम्फोसाइट जो है ह्यूमन बॉडी को जो क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. फॉरेन पार्टिकल जो भी बॉडी के अंदर आते हैं, जो भी हार्मफुल होते हैं, उनको किल करती हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन. सो लिम्फ इज कनेक्टिव फ्लूड विच कंटेन्स प्लाज्मा एंड WBC. अगर हम लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो लिम्फ कैपिलरीज जो हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं. और लिम्फ कैपिलरीज से ये जो फ्लूड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, ये पास होता है टू द हार्ट. लिम्फ कैपिलरीज भी जो हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उन्हीं की तरह थिन वॉल्ड फाइन कैपिलरीज होती हैं. एंड इन दीज लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ फ्लोज. अगर हम लिम्फ वेसल्स की बात करें तो लिम्फ वेसल्स जो है लिम्फ कैपिलरीज के जब यूनाइट हो जाती हैं तो उनसे बनता है लिम्फ वेसल्स. सो लिम्फ वेसल्स आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ लिम्फ कैपिलरीज. ये लिम्फ वेसल्स जो होती हैं लार्ज ट्यूब्स होती हैं एंड रिजेंबल वीन्स. वीन्स की तरह ही लिम्फ वेसल्स में जो है वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं लिम्फ के बैक फ्लो को. सो क्या रिजेंबलेंस होती है वीन्स से लिम्फ वेसल्स की? लिम्फ वेसल्स में भी जो है वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड दीज लिम्फ वेसल्स, जब लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स बन जाता है और लिम्फ वेसल्स जो है ज्वाइन कर लेती हैं वीनस सिस्टम को, और वीनस सिस्टम के थ्रू देन लिम्फ गोज टू द हार्ट.
एंड द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज लिम्फ नोड्स। अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें तो जो है लिम्फ नोड्स पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ये कुछ स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स के बाद नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लिम्फ वेसल्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स आर सिचुएटेड एट इंटरवल्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फ नोड्स होती हैं ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कंटेन करती हैं लिम्फोसाइट्स, जो छोटी छोटी गांठे से बन जाते हैं। गांठ जैसा अपियरेंस होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, इनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कंटेन करती हैं लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स का क्या काम था, हमने अभी देखा था कि लिम्फोसाइट्स जो हैं बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करती हैं और बॉडी को बचाती हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। सो दिस लिम्फोसाइट्स दैट हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज, एंड दिस help in the removal of bacteria and other foreign particles from the lymph. So what are lymph nodes? Lymph nodes are situated at intervals throughout the lymphatic system, and these contains lymphocytes which helps the body to remove bacteria and other foreign particles from lymph. So this was all about lymphatic system. Let's quickly summarize this. Components of lymphatic system are lymph capillaries, lymph vessels and lymph nodes. Lymph kya hota hai? Lymph is a light yellow colored mobile fluid connective tissue that is present outside the tissue. That's why it is called extracellular fluid. And it contains plasma and WBC. Plasma, which is present in the lymph, that doesn't contain large proteins. And the second component of lymphatic system is lymph capillaries. Lymph capillaries are fine tubes in which the lymph drains. And third one is lymph vessels. Lymph vessels are formed by the joining of lymph capillaries, and these lymph vessels then join the venous system and passes the lymph to the heart. फोर्थ कंपोनेंट इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती है, लिम्फ नोड्स आर सिचुएटेड एट द इंटरवल्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम, एंड दीज लिम्फ नोड्स कंटेन WBC मीन्स ल्यूकोसाइट्स विच हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी।